हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज इंग्लिश क्लास। आई होप मेरी आवाज आप सभी को साफ आ रही है। अगर आवाज क्लियर है तो प्लीज एक कमेंट कीजिए और बताइए कि आवाज साफ है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज की क्लास में हम लोग जॉब लेटर्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो गया है, तो आपको और टाइम मिल जाएगा अच्छी तरह से तैयारी करने का, राइट? तो हम लोग आज डिस्कस करते हैं जॉब लेटर्स। जॉब लेटर्स नाम से क्लियर है कि जॉब से रिलेटेड, जॉब मतलब नौकरी, इसको हम जॉब एप्लीकेशन भी कहते हैं, ठीक है? जॉब एप्लीकेशन और जॉब लेटर दोनों एक ही चीज है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा भी जाता है कि जॉब एप्लीकेशन लिखिए, तो भी आपको यही लिखना है, जॉब लेटर लिखिए तो भी आपको इसी फॉर्मेट को फॉलो करना होगा। अब समझते हैं कि आखिरकार ये किस तरह से वर्क करता है। जॉब लेटर, इट इज a kind of formal letter. Wait. Class F में नहीं मिल रही है। दीपांशु गुड मॉर्निंग। वेट, बच्चों के मैसेज है, मैं चेक कर लेता हूं। डीपीएस ऐप पर ही है क्लास, तो इट इज अ काइंड ऑफ फॉर्मल लेटर दैट इज यूज टू क्रिएट एन एप्लीकेशन फॉर जॉब्स, राइट? जॉब्स के लिए एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए इस लेटर का यूज होता है। अब ये फॉर्मल लेटर है तो आप इसकी खासियत को समझ लें। द लैंग्वेज विल बी फॉर्मल, सबसे पहली बात लैंग्वेज फॉर्मल होगी। दूसरी बात क्या है, देयर विल बी सेंडर्स एड्रेस एंड रिसीवर्स एड्रेस अलोंग विथ रिसीवर्स पोस्ट। आपको रिसीवर की पोस्ट भी लिखनी पड़ेगी। सेंडर का एड्रेस आएगा, सेंडर की पोस्ट नहीं आएगी यहाँ पर ऊपर, लेकिन रिसीवर का एड्रेस जो है उससे पहले आपको रिसीवर की पोस्ट मेंशन करनी पड़ेगी जिसको आप वो लेटर लिख रहे हैं, ठीक है? इसके बाद में कंटेंट जो है, कंटेंट पर बात करेंगे हम लोग, कंटेंट कैसा रहेगा, ठीक है? इसको मैं अभी अगले सेक्शन में समझाने जा रहा हूं कि कंटेंट किस तरह का आपको रखना है। पहले आप एक बात समझ लीजिए कि जॉब लेटर जो है उसको हमेशा फॉर्मल स्टाइल में लिखा जाता है। किसको लिखा जाता है? लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है, ठीक? सबसे पहली चीज क्या आती है इसमें? सबसे पहली चीज आती है सेंडर्स एड्रेस, ठीक? दूसरी चीज इसमें क्या आती है? डेट, डेट ऑफ राइटिंग द लेटर। ठीक है, लेटर को लिखने की जो डेट है वो आती है। इसके बाद तीसरी चीज
आपकी आती है रिसीवर्स पोस्ट, ठीक है, रिसीवर की पोस्ट आपको लिखनी होती है। इसके बाद में रिसीवर्स फॉर्म, अब रिसीवर की ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन फॉर्म जो भी है उसका नाम क्या है, उसका नाम आपको लिखना होता है, ठीक है। इसके बाद पांचवी चीज, ठीक, इसके नीचे क्या आती है, एड्रेस। इस क्रम से चलना है आपको, इस ऑर्डर में चलना होगा, ठीक। इसके बाद में आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे सिक्स जो चीज होगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होगी वो होगी सैल्यूटेशन। यहाँ थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है, सैल्यूटेशन जो है हो सकता है डियर सर, डियर मैम, ठीक, कुछ भी हो सकता है। अब यहां पर क्या है कि बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि पहले सैल्यूटेशन आएगा या सब्जेक्ट आएगा, तो उसमें कहीं भी कंफ्यूज होने की बात नहीं। आप रिसीवर का कॉलम खत्म होने के बाद में सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं या सैल्यूटेशन लिख सकते हैं। आप सैल्यूटेशन लिखते हैं तो सैल्यूटेशन के बाद अगली लाइन में आप सब्जेक्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप सब्जेक्ट लिखते हैं तो उसके बाद एक लाइन छोड़कर आप सैल्यूटेशन लिख सकते हैं। क्लियर है बात सभी को, ठीक। तो ये जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर को जरूर फॉलो करें, गलती ना करें इस ऑर्डर में। एग्जाम होगा तो उस समय ये लेटर आपको मिल सकता है, एग्जाम करा रहा हूं तो, ठीक। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, देख लीजिए, कोई दिक्कत ना हो तो, ठीक है। दिख रहा होगा आपको क्लियर, आई होप मेरी आवाज भी आ रही होगी, आवाज क्लियर है सभी को। कुछ बच्चों का टीपीएस ऐप बंद पड़ा है, मैं उनको ये स्ट्रीम भेज देता हूं। निधि को मैं एक सेकंड ये वीडियो सेंड कर देता हूं, तब तक आप उसको नोट कीजिए। मिल गया।
सब कुछ मिल जाएगा। शुरू होते हैं वापस। चलिए सेंड कर दिया है मैंने। तो हम बात कर रहे थे अब तक इनकी, ठीक। इसके बाद में आ गया हूं। बात करेंगे कंटेंट की। कंटेंट क्या रहेगा? कंटेंट ऑफ द लेटर, सबसे पहले आपको कुछ आंसर्स देने होते हैं इसके अंदर। टेल हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट द वैकेंसी, ठीक है। सबसे पहले तो आपको बताना है कि आपको कैसे उस वैकेंसी के बारे में मालूम पड़ा। नंबर टू, प्रेजेंट योरसेल्फ एज एन एलिजिबल कैंडिडेट, ठीक है। अपने आप कोई एलिजिबल कैंडिडेट के रूप में आप प्रेजेंट करेंगे। नंबर थ्री, शोकेस योर क्वालिफिकेशन अचीवमेंट्स वर्क एक्सपीरियंस एंड योर क्वालिटीज एज एन इंडिविजुअल, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? देखो, इस सीरीज में आपको कंटेंट लिखना है आपका, तो कंटेंट रहेगा वो इसी सीरीज में ही जाना चाहिए और इसी तरीके से नहीं जाएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि आपको कैसे इस वैकेंसी के बारे में मालूम पड़ा, ठीक। इसके बाद में आप क्या बताएंगे? आप अपने आप को एज अ एलिजिबल कैंडिडेट, क्या आप उस जॉब के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं? जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी जो भी क्वालिफिकेशन उन लोगों ने मेंशन करी है उसके हिसाब से आप एलिजिबल हैं, तो आपको खुद को प्रेजेंट करना है, ठीक। इसके बाद में आपको शोकेस यानी दिखाना है, आप बताना है अपनी क्वालिफिकेशन को, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्या है, मैक्सिमम बताई जाती है इसमें हमेशा, ठीक है। उसके बाद आपके अचीवमेंट्स बताने हैं कि आपने अपनी फील्ड में अगर कुछ अलग से अचीव किया है तो वो आप बता सकते हैं, ठीक। इसके बाद आपका आता है वर्क एक्सपीरियंस, आपने किस फर्म के साथ, आपके पास कितना हाईएस्ट एक्सपीरियंस है, हाईएस्ट एक्सपीरियंस ही यहाँ पर आएगा, बाकी चीजें हम रिज्यूमे में डाल सकते हैं, ठीक। इसके बाद में आपको एज एन इंडिविजुअल आपकी अपनी क्वालिटीज बतानी है कि आप कितने फ्लेक्सिबल हैं, कितने हार्डवर्किंग हैं, कितने ऑनेस्ट हैं, कितने एनर्जेटिक हैं, कितने क्रिएटिव हैं, कितने इनोवेटिव हैं, ये चीजें जॉब में बहुत ज्यादा मायने रखती है, तो आपको उन चीजों को बताना होता है। बहुत ज्यादा एग्जैजरेट नहीं करना है, पर एक नॉर्मल फ्लो में, एक नॉर्मल बेसिस पर आपको बताना है कि आप ये सब कर सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद में चौथा पॉइंट है, आपको क्या है, यहां से पैराग्राफ चेंज कर देना होगा। आप पैराग्राफ यहां से बदल दें और उसके बाद में आप क्या करेंगे, टेल दैट यू कुड बी अ ग्रेट चॉइस टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड योर कॉन्ट्रीब्यूशन
will always be to the welfare of the poor. You could be an asset to them. ठीक है, आपको ये बताना है कि अगर वो आपको चुनते हैं तो आप उनके लिए बहुत अच्छा चुनाव हो सकते हैं और आपका कंट्रीब्यूशन हमेशा उस ऑर्गेनाइजेशन या उस फॉर्म के वेलफेयर के लिए ही होगा। ठीक है, सारी चीजें पॉजिटिव रखनी होती हैं। ठीक, इसके बाद मैं आपको ये भी बता देना है कि अगर आपको चुना जाता है तो आप फॉर्म के लिए, कंपनी के लिए एक एसेट साबित हो सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद में क्या करेंगे, लास्ट लीव अ पॉजिटिव नोट। ठीक है, आपको एक पॉजिटिव नोट लीव करना, छोड़ना होता है लास्ट में, ये समझा देना होता है कि मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे मुझे एक पॉजिटिव रिप्लाई मिलेगा और मुझे चुना जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लेटर को एंड कर देते हैं। इसके बाद आपका रिज्यूम आ जाता है। ठीक, इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी फटाफट। ये क्या है मैसेज, बेटा अगर स्क्रीन ब्लर है ना तो वो आपके यहां नेटवर्क इश्यू होगा, यहां पर एकदम क्लियर है क्योंकि तो मैंने भी अपने ही फोन में इसको चलाकर देखा है, तो क्लियर आ रही है। ठीक, आप देखिए नेटवर्क इश्यू हो सकता है, मौसम की वजह से नेटवर्क डाउन रहता है। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटाकर बाकी चीजें समझाता हूं आपको। अब इसके बाद में आता है आपका रिज्यूम। अब रिज्यूमे को बिल्कुल बीच में लिखना है आपको, आपकी जो लेटर बॉडी है मान लो वो यहां से शुरू हुई थी और यहां आपकी लाइन खत्म होती है, तो आपका रिज्यूमे यहां से शुरू होकर इस एरिया में आए, यानी आपका रिज्यूमे एक टेबल की तरह शो होना चाहिए विदाउट लाइनिंग, ऐसे एक टेबल की तरह दिखना चाहिए आपकी जो कंटेंट है उसके बीच में। समझ में आ रही है बात, कंटेंट की लाइन के बिल्कुल लास्ट हेडर के नीचे आपका जो भी क्या कहते हैं रिज्यूम होगा वो बिल्कुल बीचों बीच आना चाहिए। ठीक है, रिज्यूम में देखिए आपको क्या लिखना है। नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, अचीवमेंट्स, वर्क एक्सपीरियंस, लैंग्वेज नोन, मैरिटल स्टेटस। ठीक, ये चीजें होंगी सारी की सारी, और एकदम इस इंक्लिनेशन का ध्यान रखें,
यहां से आगे पीछे हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, ये इंक्लिनेशन एकदम सही आना चाहिए, इसमें गड़बड़ी ना हो। तो मेरी तरफ से तो मैं उसी नेटवर्क में चल रहा हूँ, पहले अगर सही थी तो ब्लर अगर हो रही हो तो वो नेटवर्क इशू ही है, आपके एंड पर है वो नेटवर्क इशू। ठीक है, आप एक बार देखिए, रिफ्रेश कर लीजिए, बैक आकर दोबारा क्या कहते हैं उस लिंक पर क्लिक करके चला कर देखें। ठीक है, तो इन चीजों को लिखना है। अब बीच में क्या होगा, बीच में आपको एक सीध में कोलोन्स लगा देना है, ये हेडिंग जो टाइटल जो है इसके बीच में आ जाएगा, ये नेम के लिए दो कोलोन इस तरह से, इसके लिए दो कोलोन इस तरह से, ये इस तरह से आपको बढ़ना है, ध्यान रखिएगा। ये इस तरह से चलना है, आप देखा होगा। ठीक, अब यहां पर जो डिटेल्स है वो आ जाएंगे। अब ये डिटेल्स जो है अब फिर इस साइड से सीधी होनी चाहिए, इस साइड से आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ नेम है। ठीक है, नेम मान लो था अनिल कुमार, ठीक, फादर्स नेम श्री रमेश कुमार, मदर्स नेम श्रीमती अनीता कुमारी, अनीता देवी होगा है, कुमारी क्या होगा, शादी हो गई। डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए आपको डेट ऑफ बर्थ है 5/8/1999, इस तरह से आपकी डेट ऑफ बर्थ है मान लीजिए। ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ सिटी अपनी लिख दो आप, भरतपुर। क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन आपने लिख दिया जैसे पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, अब ब्रैकेट में लिख सकते हैं एम कॉम, एम एस सी, ठीक है, एम ए, कुछ भी जो भी हो, अचीवमेंट्स। एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, ठीक है, आपने यहां पर लिख दिया 2018 2019 लगातार 2 साल आप एम्प्लॉय ऑफ द ईयर ही, क्या आपके अचीवमेंट से आपको रिवॉर्ड किया गया किसी कंपनी के द्वारा जहां पर आप काम करते थे। वर्क एक्सपीरियंस 8 इयर्स, ठीक है, एज, एज के बाद आप लिख सकते हो कि किस पोस्ट पर आपको ये एक्सपीरियंस है, एज सीनियर मैनेजर, जर्नल मैनेजर, एज एन अकाउंटेंट, एज अ सीनियर फैकल्टी ऑफ इंग्लिश फिजिक्स साइंस, कुछ भी। ठीक, मैरिटल स्टेटस, ये लैंग्वेज नोन आप इसमें लिखेंगे, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, रीजनल। मैरिटल स्टेटस क्या होगा, मैरिटल स्टेटस आप लिख सकते हैं मैरिड या जो भी अब वो कर रहा है तो मैरिड होगा या सिंगल, वट एवर इट कुड बी। ठीक है, तो इस तरह से आपका रिज्यूमे तैयार होगा। रिज्यूमे का एक बार आप स्नैप ले लीजिए, फोटो ले लीजिए, फोटो ले लो रिज्यूम का, ओके, बिठा रहा हूं मैं आपको, तो आपको सेम इसी तरीके से अपना रिज्यूम तैयार करना है बेटा। ठीक है ना, बिठा रहा हूं मैं, अब इसके बाद में क्या होगा, सब्सक्रिप्शन आएंगे, आपको क्या लिख देना है यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पर, आपका थैंकिंग यू, ठीक है, ये हो गई आपकी क्लोजिंग फ्रेज। ठीक है, योर सिंसियरली,
या का हो गया सब्सक्रिप्शन, ठीक। इसके बाद में नेम ऑफ द सेंडर या ब्रैकेट में सिग्नेचर, इस तरह से आप लोगों को लेटर को कंप्लीट करना है। समझ में आ रहा है? इस तरह से आपका लेटर जो है कंप्लीट बॉडी जो है वो कहा हो जाएगी, क्लियर। मैं आज ग्रुप में दो तीन लेटर्स जो है वो डाल दूंगा, इस तरह से एग्जाम्पल्स रहेंगे, उनको आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको क्लियरली ये समझाया कि किस तरीके से बेसिकली लेटर लिखा जाएगा, उसके इंटरनल कंटेंट्स क्या होंगे, रिज्यूमे किस तरह से बनेगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो अभी भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप उनको बाद में व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। आप इसको भी नोट कर लीजिए, नोट कर लो। अब आप एक काम करना, मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं आज, उसका लेटर लिखिए आप खुद और अच्छी से राइटिंग में लिखकर मुझको सेंड कीजिए, मैं चेक करता हूं कि आप कितना लिख पा रहे हैं, ठीक है। यू आर विनोद फ्रॉम अजमेर राजस्थान, यू हैव रिसेंटली सीन एन एडवर्टाइजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स about the vacancy for a senior faculty of physics in a renowned school. Write a job application for the post. ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग मुझे करके सेंड कीजिए, ठीक है। क्लास के बाद सारी क्लासेस हो जाए उसके बाद आप सेंड कर सकते हैं दोपहर तक, ठीक है। देखते हैं कितने लोग लिख पाते हैं, कितने नहीं, पता पड़ जाएगा कि आपकी परफॉर्मेंस उस एग्जाम में कैसी होने वाली है। नोट कर लीजिए फटाफट, आप विनोद हैं अजमेर राजस्थान से, यू आर विनोद फ्रॉम अजमेर राजस्थान, यू हैव रिसेंटली सीन, आपने अभी अभी देखा है एन एडवर्टाइजमेंट, एक इश्तेहार, एक विज्ञापन इन द हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स में, ठीक है, अबाउट द वैकेंसी फॉर अ सीनियर फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की सीनियर फैकल्टी की वैकेंसी के लिए आपने विज्ञापन देखा है इन अ रेनाउंड स्कूल, एक जाने माने प्रसिद्ध स्कूल में, राइट अ जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप पोस्ट के लिए एक जॉब एप्लीकेशन लिखिए, क्लियर है सभी को, तो इसको आप लोग करके मुझे भेजिए। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं कल, ठीक है, आपकी क्लास में, बाय बाय।